नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं इस वक्त पटना की बड़ी खबर, जहां फुलवारी थाने में तेज प्रताप यादव बैठ गए हैं। तेज प्रताप जी, क्या हुआ था उस वक्त जब आपसे थाना प्रभारी की बात हुई? थाना प्रभारी का बात हुआ, थाना प्रभारी बड़ा बदतमीजी से बात किए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो FIR उसको लेना चाहिए। आपको जनता के लिए, सेवा के लिए आपको यहाँ बैठाया गया है, ना ही इस तरीके का व्यवहार करने के लिए आपको बैठाया गया है। और शराब का बोतल कहाँ से आया? जब शराब बंद है तो आधा उसमें बचा हुआ है। आधा कौन पिया है? वो आधा वो पीते हैं शराब की नहीं पीते हैं, वो जाँच होना चाहिए, उनका भी टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट करवाए सरकार। अच्छा, फोन पे क्या बोले थे? फोन पे उस वक्त क्या बोले थे? तो पलटी मार गए, ये पलटी मार गए। लेकिन जो फोन पे बोले, उस आप लोग सब लोग देखे हैं, सुने हैं, वो किस तरीके से फोन से हम लोग से व्यवहार करने का काम हुआ है। वो बोले हैं, हम लोग भी सुनाएंगे, वो रिकॉर्ड है, हम लोग रिकॉर्डिंग जो है वो आप सुनाने का काम कीजिए। बोलेंगे कौन तेज प्रताप है, हम किसी को नहीं जानते हैं, मतलब ये व्यवहार हो रहा है। अब मान आनी का तो हम केस करेंगे अपना वकील को लगा के। लगता है तेज प्रताप जी कि आपके साथ ये हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? लगाइए ना वकील को, लीजिए बात करेंगे। आम जनता के साथ क्या होता होगा? हेलो सर, कौन है? हेलो, हाँ CM हाउस से बोल रहे हैं, हम तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से हमें बात करनी है। अच्छा, तो हाँ, तो मुख्यमंत्री जी के पास एक सूचना दे दिया जाए कि मैं जनता दरबार में बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक महिला आई थी, ठीक है, महिला आई मंजुलता करके उनका नाम है, उनकी बहन के साथ दुष्व्यवहार हुआ है और जला करके उसके ससुराल वाले लोगों ने उसको मार दिया। यहाँ पे जब थाना में जब हम फोन किए, फुलवारी थाना में, तो क्या नाम है इनका? कैसर आलम बदतमीजी से हमसे बात करने का बात किए हैं। आप ये मुख्यमंत्री तक आप पहुँचा दीजिए इस बात को। हाँ, वो आएंगे तो हमसे बात भी करा दीजिएगा, हम अपना पैड पे लिख करके भी दे रहे हैं इनके बारे में किस तरीके से। और सुनिए, उनको ये भी बोल दीजिएगा कि थाना में जहाँ वो बैठे थे टेबल के पास उनका शराब का बोतल था, वहाँ पे आधा शराब का बोतल है। ठीक, चार महीना से सर हम तो खुद प्रताप जी, क्या बात हुई? पोस्ट किए हैं, हम बात कर लिए, चलिए अब उधर। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से खुद तेज प्रताप को अपनी ही पहचान बतानी पड़ी। पहचान बताने के बाद भी अगर पुलिस महकमे में कोई उनकी पहचान नहीं जानता हो तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में किस तरीके का सुशासन है। फिलहाल ये ड्रामा भी चलता रहेगा। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ कुमार गौतम, AV News पटना।